नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है श्रावण माह में शिवलिंग पर काली मिर्च कब और कितनी और कैसे अर्पित करें। अगर आप विरोधियों से गिर गए हैं या फिर कोई काम नहीं बनता तो आप काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा सकती हैं। अब मैं बात करूँगी कितनी काली मिर्च हमें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। आप 11, 21, 51, 108 काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा सकती हैं। काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ाने की तिथि है सोमवार, नौमी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा को या फिर सावन के महीने में भी आप काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। काली मिर्च चढ़ाएं कैसे? काली मिर्च चढ़ाने से पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, उसके बाद आप बेलपत्र अर्पित करें, उसके बाद आप जितनी भी संख्या में काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ानी है उसे अपने हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आपके चरणों में काली मिर्च अर्पित कर रहा हूँ या रही हूँ, इसे स्वीकार करें और मेरी परेशानी को दूर करें। ऐसा कहकर आप अपने घर आ जाओ। ऐसा आप 5 सोमवार कर सकते हैं, 5 प्रदोष व्रत कर सकते हैं, 5 अमावस्या कर सकते हैं, 5 पूर्णिमा को भी कर सकते हैं और सावन में आप इस उपाय को जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।